पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत एवं अजय फुलवारी के सानिध्य में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। शहर के होटल विनोद में आयोजित बैठक में सभापति नरेश कनौजिया के निलंबन प्रकरण आगामी 30 दिसंबर को पूर्व पार्षद स्वर्गीय राहुल चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर एवं 5 जनवरी को विधायक शंकर सिंह रावत के जन्म दिवस पर होने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत एवं युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय फुलवारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभापति नरेश कनौजिया को द्वेषतापूर्ण निलंबित करने के विरोध में विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल एवं युवा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वाभिमान यात्रा एवं सभा का आयोजन किया गया। इसके तहत आयोजित होने वाली सभा के पश्चात 1000 युवाओं के साथ रैली निकालने का संकल्प लिया। स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में नरेश कनौजिया सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर तक पैदल कूच करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत कार्य योजना बनाकर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में किशन चांवरिया, अजय चंदेल सरपंच, गणपत ग्रोवर, दुष्यंत रावत, रवि टाक, सुमित शर्मा, गणपत रावत, ऋषिपाल सिंह, गुरुदेव यादव, यश खंडेलवाल, निशांत सिंघल, राहुल राजपूत, अनिल पंडित, हिमांशु फुलवारी, सन्नी सेन, राहुल भट्ट, छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, पंकज सिंह सनवा, कुशाल दगदी, तारेश साहू, रवि सिसोदिया तथा रोहित नाथावत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।